आज टॉपिक है विटामिन्स का, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन का। कहते हैं दो टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सोलोबल एक वाटर सोलोबल। फैट सोलोबल में विटामिन के ई डी और ए। कैसे याद रख सकते हो? कीड़ा यानी कीड़ा, कीड़ा होता क्या है? मोटा होता है मतलब। और कीड़ा होगा तो वाटर में तो सोलोबल होगा भी नहीं, किसमें खाली सोलोबल होगा? फैट में सोलोबल होगा। दूसरी टाइप वाटर सोलोबल, जिसमें विटामिन बी और सी। लेकिन दिलचस्प बात है कि विटामिन बी एक नहीं बल्कि छः, इसमें हम कहते हैं सिक्स बी सी। बिफोर ग्रेस करके आप रख सकते हो, तो बिफोर ग्रेस दुनिया में पानी बहुत था। लेकिन एक तीसरी टाइप भी होती है विटामिन की, जो ना तो वाटर सोलोबल होते हैं ना फैट सोलोबल, इनको हम विटामिन एच कहते हैं, बायोटिन। ठीक है जी, और इसकी डेफिशिएंसी से हेयर लॉस हो जाता है। अब एग्जाम में हमें याद भी रखने हैं कि इनके कॉमन नेम क्या क्या है और इनकी डेफिशिएंसी से बीमारी क्या क्या होती है, और उसके ट्रिक्स हम याद रखते हैं। देखो विटामिन, अगर हम बी की बात करें तो विटामिन बी वन जो है ये थायामाइन है, विटामिन बी टू जो है इसके दो नाम होते हैं राइबोफ्लेविन और रेक्टोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री नियासिन, विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी सिक्स पायरेटॉक्सिन, और विटामिन सी होता है साइनोकोबाल्ट अमाइन। ठीक है, साइनोकोबाल्ट अमाइन। तो देखो अब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, थाईलैंड जाकर रेपो ने पैंट धुलवाई, ठीक है, किससे धुलवाई? नाई से। अब अजीब हरकत की ना, थाईलैंड जाकर रेपो ने पैंट धुलवाई नाई से, ये सोच के कि नाई है मुफ्त में पैंट धो देगा, लेकिन नहीं, उसने कहा पाई पाई री दो, पाई री दो साइनो को स्कॉर्पिक एसिड। उस आदमी पे गुस्सा आ गया, किस पे? रेपो पे। और फिर नाई ने कहा पाई पाई से मरा पाई 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 दो, ठीक है, रीदो पाई पाई रीदो साइनो एस्कॉर्पिक। ओके जी, ये देखें, ये कहलाता है मेनाडायोन। ऐसे स्ट्रक्चर है, दो बेंजीन जैसे रहेंगे, फिर यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर नीचे और फिर सी एच थ्री। ये पूछ चुके हैं एमटीके 2013 केमिस्ट्री में, मेनाडायोन। अब विटामिन के का एक नाम फाइलोकेनोन भी होता है, बिल्कुल होता है जी। फेलियर ऑफ ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, यानी खून बहता है तो फिर वो रुकता नहीं है। और डेली रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी? 70 माइक्रोग्राम से 140 माइक्रोग्राम। सारी चीज़ें एमसीक्यूज के लिए। देखिए विटामिन ई कहलाता है टोकोफेरोल, इससे होता है डिक्लाइन इन रेस्पिरेशन या फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल। डेली कितना चाहिए होता है? 10 मिलीग्राम। अच्छा 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये स्टेबल रहता है हीट का, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेड से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये बहुत बड़ी बात है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल रहना। कौन सा विटामिन ई, जिसको टोकोफेरोल भी कहते हैं और बाज़ अवकात अल्फा टोकोफेरोल भी कहते हैं, ठीक है जी। और डेली रिक्वायरमेंट 10 मिलीग्राम है। फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल भी हो जाती है कमी से, ये बात ध्यान में रखो। विटामिन ए की बात करते हैं, कॉमन नेम रेटिनॉल है, और फार्मूला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, C20H29OH, 1000 माइक्रोग्राम डेली चाहिए। और एक तो हमें कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होती है, फिर आपका नज़र नहीं आ रहा, भूत से एड्रेस पूछ रहे हैं, भाई एड्रेस बता देना किधर है, तो या चुड़ैल मिली उसको बड़ी समझ रहे हैं तो लोना मसला हो जाएगा। और ग्रोथ भी कम हो जाएगी, यानी सारे भाई 6 फिट के होगा, एक भाई 3 फिट का रहेगा। तो विटामिन ए की कमी थी, ठीक है जी, रेटिनॉल। और ये इसका फार्मूला भी पूछते हैं, डेली यूज भी कितना है। देखो बच्चों, विटामिन बी वन होता है 1.1 से 1.5 मिलीग्राम बॉडी में, चाहिए डेली। नहीं होगा तो भाई बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। अच्छा विटामिन बी वन को हम थायामाइन कहते हैं, बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, ठीक है, थाईलैंड और फिर हमाइन। अब इसकी कमी से, एक तो भाई हमने कहा था बेरी बेरी होती है बी वन की कमी से, ये तो सबसे कॉमन डिजीज़ है, और मोस्ट कॉमन डिजीज़ की बात आए तो बेरी बेरी। और भी हो सकती है हार्ट फेलियर, अरे बाप रे बाप, किसी का हार्ट फेल हो गया तो समझो विटामिन बी वन नहीं है उसमें। मेंटल डिस्टर्बेंस, पागल लोग जितने होते हैं, तो क्या है बी वन? अब किसी औरत का बच्चा पागल हो गया, मेरा बेटा पागल क्यों हो गया? अम्मा जी आपने अपने बेटे को बी वन नहीं खिलाया था इसलिए हो गया, लॉस ऑफ वेट। अब अम्मा खिला भी नहीं है, सब कुछ खिला रही है लेकिन बी वन नहीं खिला रही, तो वजह वजन बढ़ने के क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, अरे हजम भी नहीं हो रहा है कुछ, ओहो। और विटामिन बी टू में क्या होता है? एक तो हमने मेन बीमारी देखी थी अरेबो फ्लेविनोसिस, इसके अलावा क्या होती है? आई डिजीज और एनीमिया से भी होता है। अच्छा एनीमिया किस किस से हुआ? बी सिक्स बी ट्वेल्व और अब बी टू।
देखो B12 जो है विटामिन, ये क्या कहलाता है, साइनोकोबाल्ट अमाइन, ठीक है। साइनोकोबाल्ट अमाइन ये हम बता चुका हूँ मैं कि इससे इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ हो जाता है, और ये वाहिद है जिसमें मेटल यानी कोबाल्ट है। लेकिन एक और बीमारी भी होती है, एनीमिया। अच्छा, एनीमिया से B12 की कमी से नहीं होती, B6 यानी जिसको हम पाइरेडॉक्सिन कहते हैं उसकी कमी से नहीं होती। यानी अगर देखा जाए तो B6 और 12, अच्छा कॉमन क्या है, 6 के टेबल में दोनों आते हैं, तो जो भी 6 के टेबल में आते हैं उनमें कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया, B6 में भी और B12 में। अच्छा, ये तो दोनों में हो गई, B6 में नर्वस डिसऑर्डरनेस, B12 में इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ। और B6 में एक और भी होती है, किसकी बात हो रही है, B6 की होती है इंसोमनिया, स्किन डिसऑर्डर। ये भी किसकी बीमारी है, स्किन की, इंसोमनिया, स्किन डिसऑर्डर। देखो अगर विटामिन सी को हम देखो तो भाई हम कहते हैं कि भाई ये स्कॉर्पिक एसिड है, इसका मॉलिकुलर फार्मूला बहुत आता है, C6H8O6। कोई इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताएगा, C3H4O3, वेरी वेरी इज एम। और पढ़ चुके हम कि इसकी कमी से स्कर्वी होती है, ठीक है। और विटामिन B3 जिसका नाम नियासिन है, और मैंने बताया था पेलाग्रा बीमारी होती है इसकी कमी से, इसको निक्टोनिक एसिड भी कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये आर ऑलमोस्ट बेंजीन ही है, COOH यहाँ पे मौजूद है, COOH मौजूद है, और इसी का एक मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है, ये देखो निकोटिनामाइड। निकोटीन अमाइड में हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन कर देते हैं। यहाँ देखो COOH है, OH की जगह NH2 हो गया, और यहाँ पे भी एक N लग गया, इस चीज़ को कहते हैं निकोटीन अमाइड। और कितनी बॉडी में होनी चाहिए, डेली कितना डोज चाहिए, 14 से 19 मिलीग्राम। तो फैट सोलूबल को तो हम बड़े आसानी से ट्रेट से याद कर लेंगे, कैसे हमने किया था जी, थाई अमाइन का थाई ले लिया थाईलैंड जाकर, फिर राइपोफ्लेविन से राइपो, या लैक्टोफ्लेविन का लैक्टो भी ले सकते हो, राइपोलैक्टो ने, B3 यानी नियासिन को नाई से, ठीक है, पेंट यानी पैंथोथेनिक धुलवाई। अब क्या हुआ उसके बाद, नाई ने कहा पायरो दो, पायरी दो यानी पैसे दो, पाई से मतलब पैसे, पाई पाई होते हैं ना रुपए का छोटा यूनिट, किसको, साइनो को, नाई का नाम हो सकता है साइनो, ठीक है, और राइपो का एक नाम स्कॉर्पिक एसिड हो या बिल्कुल एसिड जैसी उसकी शक्ल, ये बैठा लेंगे। अब इनको कैसे याद रखें, कीड़ा को, तो देखो कीड़ा या तो नन होगा, हो गए इनके, या फिर कीड़े ही कीड़े भरे होंगे, ये वैसे तो OL ऑल है, इसको ऑल करके याद रख सकते हैं, EDS, क्यों, विटामिन K के एंड में नन आता है स्पेलिंग, और EDA के एंड में क्या आता है, ओल आता है। अब अभी देख लेते हैं, फाइलोकिनोन, ये हो गया के यानी नन, या तो कीटा नन होगा, और फिर यहाँ देखो फेरोल, कैल्सीफेरोल और रेटिनॉल। अब इसको भी हम गाने से भी तो याद कर सकते हैं ना, पाइलोटोकी कैल्सो रेटी, पाइलोटोकी कैल्सो रेटी, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं कोई भी, या कोई शेर के तौर पे याद रख लो, पाइलोटोकी कैल्सी रेटी, ठीक है, पाइलो को टोको मेरी कैल्सी को रेडी रखो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, पाइलो को टोको कैल्सी को रेडी रखो। ये हमारा पूरा विटामिन की यहाँ तक। ओके बच्चों, बड़ी अहम तरीन बात कि अब इनकी डेफिशिएंसीज को कैसे याद रखेंगे। देखो B1 की डेफिशिएंसी से होती है बेरी बेरी, B2 की डेफिशिएंसी से ऐसे तो बहुत सारी डिजीज होती हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन है हेरिपोफ्लेविनोस, और इसी तरह B3 से होती है पेलाग्रा, ठीक है, पेलाग्रा, और B5 से जो हो जाती है वो स्वेलिंग होती है कमी से, B6 की कमी से नर्वस डिसऑर्डरनेस होता है, B12 की कमी से इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ होता है, और C की कमी से स्कर्वी होती है। डिजीजेज याद करने की भी ना तरकीब है। अब जैसे कि हमने कहा शुरू के तीन विटामिन है B1, B2, B3, तो बेरी बेरी से हो गया B,
एरिबोफ्लेविनोज का एब्रीवेशन क्या हो गया ए, और पैलागोरा का क्या हो गया बी। तो हम ऐसे याद रखेंगे बाप के मुक्के से, बाप के मुक्के से पेट में स्वेलिंग हो गई। अब देखो बी से बेरी बेरी, ए से एरिबोफ्लेविन, बी से पैलाग्रा, ये विटामिन बी वन बी टू बी थ्री की डेफिशिएंसी है। स्वेलिंग किससे होती है? बी फाइव से। अब सर स्वेलिंग नहीं हो गई बल्कि क्या हो गया, नर्वस डिसऑर्डरनेस भी हो गया, यानी कि बी फाइव के बाद बारी किसकी आ रही है, बी सिक्स। बी सिक्स से नर्वस डिसऑर्डरनेस होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ भी हो गया, ये किसकी वजह से हुआ, बी ट्वेल्व। अरे बाप रे बाप, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मुक्का है, ठीक है। ब्रूसली का भी बाप लग रहा है भाई। और विटामिन स्कर्वी की बीमारी नहीं, किसकी हो गई, सी स्कर्वी, ठीक है। अच्छा अब मुक्का इतना पावरफुल था बाप का कि फेलियर ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग होना भी रुक गई। ओहो खून बह जा रहा है, डिक्लाइन इन रेस्पिरेशन, आहिस्ता आहिस्ता सांस भी ख़त्म, रिकेट की बीमारी यानी हड्डियाँ भी कमज़ोर, और आखिर में नाइट ब्लाइंडनेस, अब रात में नज़र भी नहीं आएगा। तो भाई इन जो भी बाप साहब है ना, इनसे भाई बच के रहना।